मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जोधपुर दौरे पर आ रहे हैं। जोधपुर दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनके परिवारजन खासे उत्साहित हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार अश्विनी वैष्णव जोधपुर पहुंच रहे हैं। उनके परिवार में उत्साह का माहौल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के छोटे भाई आनंद वैष्णव अपने बड़े भाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। समाज में सभी इतने उत्साहित हैं, इतने खुश हैं कि मैं इसको शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर सकता। जोधपुर का झील, कार्यकर्ताओं का, परिवार का, कॉलोनी में, फ्रेंड्स में, सभी अति उत्साहित है। वहीं रेल मंत्री की भाभी आशा वैष्णव ने बताया कि वो उन्हें रेल मंत्री बनने के बाद पहली बार मिलेंगी, जिसको लेकर वो काफी उत्साहित हैं। बहुत ज्यादा उत्साहित है। सबसे ज्यादा तो उत्साह मम्मी पापा को देख के लगता है। उनका बेटा घर आ रहा है, सारे सपने पूरे हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस इसी खुशी में शामिल हैं हम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद 2 अक्टूबर को पहली बार अपने घर जोधपुर आ रहे हैं। जोधपुर में उनका बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। एयरपोर्ट से उनका सीधे घर जाने का कार्यक्रम है। अपने घर में माता पिता सहित भाई के परिजनों से मिलने के बाद वो गणेश मंदिर में दर्शन करने के बाद विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिवसीय यात्रा पर जोधपुर आ रहे हैं। वैष्णव विमान द्वारा कल दिल्ली से रवाना होंगे और सुबह 11 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद रेल मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 3 अक्टूबर को वो पाली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें, राजस्थान के जोधपुर में पैदा हुए 51 साल के वैष्णव 1994 बैच के ओडिशा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। IAS अधिकारी रहते हुए उन्होंने 15 साल तक कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। अश्विनी वैष्णव को सबसे ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP फ्रेमवर्क में उनके अहम योगदान के लिए जाना जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।